भारतीय सिनेमा युग में हर प्रांत से लोग आए और स्टार बनकर आज भी चमक रहे हैं। पर यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अपने अपने प्रांत के स्थानिक फिल्मों में अपने अभिनय का प्रमाण देकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाए हुए हैं। यूं तो हिंदी सिनेमा की शुरुआत ही मराठी फिल्म इंडस्ट्री से हुई है। मराठी फिल्मों से निकले ऐसे कई टेक्नीशियन हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नई रूपरेखा दी है, चाहे वो वी शांताराम हो या फिर आशुतोष गोविलकर। हर किसी ने हिंदी सिनेमा में अपने योगदान से बुलंदियों को छुआ है। पर अगर हिंदी फिल्मों में माँ का किरदार निभाना हो तो निर्देशक की नजर जाती थी सुलोचना लटकर की तरफ। वैसे तो माँ के किरदार में निरूपा रॉय को भला कौन भूल सकता है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो करण अर्जुन फिल्म में राखी का वो दमदार अभिनय भुलाना भी नामुमकिन है। पर सब बातों को एक तरफ लेकर अगर सोचा जाए कि अगर सुलोचना लटकर ना होती तो देवानंद, सुनील दत्त और राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में उनकी मदद कौन करता। हेलो दोस्तों, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वो सुहाने दिन में, जहाँ आज हम आपको रूबरू करवाएंगे हिंदी सिनेमा में माँ के रूप में नजर आने वाली और अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री सुलोचना लटकर के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से। करीब 1995 तक हिंदी और मराठी फिल्मों में मां के किरदार के लिए मशहूर रही सुलोचना लटकर का जन्म 30 जुलाई 1928 को बेलगांव में हुआ था। बेलगांव उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य काल में मुंबई प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, पर आज वो कर्नाटका में है। एक खुशनुमा मराठी परिवार में जन्मी सुलोचना जी की शादी यूं तो 14 साल की छोटी उम्र में ही हो गई थी। फिल्मों में आने के लिए उन्हें खासी परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन फिल्मों में कदम जमाने के लिए सुलोचना जी ने काफी संघर्ष किया है। करीब 50 मराठी फिल्में और 250 हिंदी फिल्मों में वो नजर आई थी। पर इस लंबी सी लिस्ट में ऐसे फिल्मों के नाम भी शामिल हैं जो इतिहास बनकर आज भी याद किए जाते हैं। कहा जाता है कि 1960 से 1990 के दशक में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स मां के किरदार के लिए या तो निरूपा रॉय को लेते थे या फिर सुलोचना जी को। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे कलाकारों ने अपने दमदार डायलॉग्स के चलते नाम तो कमा लिया, पर अगर सुलोचना जी और निरूपा जी ना होती तो शायद ये सब इतना आसान नहीं हो पाता। सुलोचना जी ने यूं तो मराठी फिल्मों में अभिनय की शुरुआत की थी, पर हिंदी सिनेमा में बतौर लीड हीरोइन उन्होंने नासिर हुसैन और अशोक कुमार जैसे कलाकारों के साथ काम किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को भी माना है कि उन्हें सुनील दत्त के साथ बतौर माँ का किरदार निभाना काफी अच्छा लगता था। सुनील दत्त साहब के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, उनमें से हीरा, झूला, एक फूल चार कांटे, सुजाता, मेहरबान, चिराग, भाई बहन, रेशमा, उम्र कैद, मुकाबला, जानी दुश्मन और बदले की आग जैसी सुपरहिट फिल्मों के नाम शामिल हैं। ये वो फिल्में हैं जिनके लिए सुनील दत्त साहब अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। साथ ही बात की जाए देवानंद साहब की तो वो एक ऐसे अभिनेता थे जिनके साथ सुलोचना जी ने कई फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस भी काम किया और साथ ही उनकी माँ के रूप में भी नजर आई। उनमें से जब प्यार किसी से होता है, प्यार मोहब्बत, दुनिया, जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब, वारंट और जोशीला कुछ प्रमुख फिल्में हैं। 1960 का दशक खत्म होते होते सुलोचना जी ने लीड हीरोइन का किरदार निभाना बंद कर सिर्फ माँ का किरदार निभाना शुरू किया। 1960 के दशक को हिंदी सिनेमा में गोल्डन एरा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दशक में उस महान कलाकार ने एंट्री ली थी जिसे भारतीय फिल्मों का पहला ऑफिशियल सुपरस्टार कहा जाने लगा, और वो दिग्गज अभिनेता हैं राजेश खन्ना। राजेश खन्ना साहब की ज्यादातर फिल्मों में सुलोचना जी ने माँ का किरदार निभाया है। वो शायद एक रिकॉर्ड सा बन गया था जब सुलोचना जी ने राजेश खन्ना की माँ का किरदार निभाया और एक के बाद एक सारी फिल्में हिट होती चली गई। इनमें बहारों के सपने, डोली, कटी पतंग, मेरे जीवन साथी, दिल दौलत दुनिया, प्रेम नगर, आक्रमण, भोला भाला, त्याग, आशिक हूं बहारों का और अधिकार जैसी फिल्में शामिल हैं।
सुलोचना जी का सफरनामा 1990 तक चलता चला गया, पर अपनी बढ़ती उम्र के लिहाज से उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। आज भले ही हिंदी सिनेमा ने उन्हें भुला दिया है, पर मराठी फिल्म इंडस्ट्री आज भी उनकी ऋणी है। भारतीय फिल्मों में अपने योगदान के लिए सुलोचना जी को 1999 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और 2004 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफटाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी उन्हें प्रदान किया गया। फिलहाल सुलोचना जी मुंबई के प्रभा देवी इलाके में रहती हैं और शायद अपने घर की खिड़कियों से अगर वो बाहर की ओर देखती होंगी तो उन्हें वो सुनहरा दौर जरूर याद आता होगा। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप सुलोचना जी के फैन हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।